सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। 49,568 के रिजल्ट को लेकर और 51,200 न्यू वैकेंसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ 16,000 न्यू वैकेंसी जो आने वाली है होम गार्ड में, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो खुशखबरी, सबसे पहले हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के न्यू वैकेंसी के बारे में और 49,500 के परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में और 16,000 यूपी में जो होमगार्ड की भर्ती आने वाली है उसके बारे में। हालांकि 19,000 वैकेंसी के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो सकता है काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई होगी, लेकिन यहाँ से जो निकल के आएगी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बात की गई थी कि तीन वर्षों में भर्ती होंगे 1.72 लाख पुलिसकर्मी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो 2015 वाली भर्ती थी उसके बाद की ये बातें जिसमें बात की गई थी कि 1.72 लाख जो पुलिसकर्मी होंगे वो भर्ती किए जाएंगे। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दो भर्तियाँ ही हमारी केवल 41,520 और 49,568, यानी करीब 1 लाख पद पहले से ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। अगर हम बात करें कि 1 लाख अगर पद पहले से भरे जा चुके हैं, यानी उन पे भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं, 41,520 की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 49,568 की अभी वर्तमान में चल रही है, तो उसके बाद जो हमारे पद बचते हैं लगभग 72,000। तो ऐसे में जो काबिलियत लगाई जा रही थी वो ये लगाई जा रही थी कि 52,000 न्यू वैकेंसी अभी आनी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही बात है कि अभी हमारी न्यू वैकेंसी तो आएंगी डेफिनेटली, लेकिन वो वैकेंसी कब तक रिलीज़ हो जाएंगी इस बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कहा गया था कि प्रथम चरण में जो होंगे 42,000 कांस्टेबल और 5,000 एसआईओं की होगी भर्ती। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो 2015 वाली मेरिट वाली भर्ती थी उसके बाद की बात है, उसके बाद में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि 1.7 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि फर्स्ट फेज में जो आपकी होगी 42,000 कांस्टेबल यानी 41,520 वाली भर्ती होगी, सेकंड फेज में 49,568 और थर्ड फेज में बाकी की जो वैकेंसी बचेंगी वो भर्ती यहाँ पे करवाई जानी है। तो अभी आपकी वैकेंसी डेफिनेटली 100% बची हुई है, इस चीज़ की श्योरिटी यहाँ से मिल जाती है कि अभी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी बची हुई है, डेफिनेटली वो वैकेंसी आपके लिए रिलीज होंगी। अब चलिए आगे और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, पुलिस में 47,000 भर्तियाँ जल्द। तो योगी जी का स्टेटमेंट था कि पुलिस में 47,000 जो भर्तियाँ होंगी वो जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी। 49,568 भर्ती के बाद का ये स्टेटमेंट था जिसमें बोला गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 47,000 न्यू वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी तक 49,568 का ही रिजल्ट अटका हुआ है जिसकी वजह से अभी न्यू वैकेंसी रिलीज नहीं हो पाई है। तो चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पे हर साल 2 लाख नौकरियों के लिए कंपनियों से करार और यहाँ पे प्रदेश सरकार जल्दी 47,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी, इसमें 42,000 सिपाही व 5,000 दरोगा भर्ती होंगे। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई थी। इसके बाद अगर देखिए, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, इस साल 1 लाख पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। तो 41,520 भर्ती के बाद की बात है, 49,568 और बाकी की वैकेंसी आप लगा सकते हैं, 40 से 45-50 हज़ार जो वैकेंसी बची हुई हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई थी। डीजीपी बोले जालौन में रंग रूटों के लिए बनेगा न्यूज़ सेंटर। तो जब 41,520 की जो बात चल रही थी ट्रेनिंग की, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नए रंग रूटों के लिए जालौन में ट्रेनिंग सेंटर बनवाया जा रहा है और उसके बाद 1 लाख भर्तियाँ और करवाई जाएंगी इस साल में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी लोगों ने इसे पहले से देखा होगा। और चलिए सबसे बड़ी अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन था पुलिस बलों में 5 लाख भर्तियाँ, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की गई थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो
तो जो मंजूर पद थे गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर किए गए थे 364,200, लेकिन खाली पद अभी यहाँ पे 180,000 पद खाली थे। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए, अगर ये वैकेंसी आप इंक्लूड कर लेंगे तब भी कितनी वैकेंसी बचती हैं। अगर हम बात करें कि मेरिट वाली भर्ती भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें 30,000 से 35,000 वैकेंसी, वो लगभग 130,000, उसके बाद भी करीब 50,000 वैकेंसी खाली रह जाती हैं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जिनके लिए अभी हो नहीं है, क्योंकि अभी तक वैकेंसी वहाँ पे इतनी वैकेंसी खाली बची हुई हैं। तो ये एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को कोई भी किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकता। ये मैंने पूरी कटिंग इकट्ठी इसलिए की है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इंक्लूड करके उनको एनालाइज करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं होमगार्ड की, तो प्रदेश में होंगे 16,000 होमगार्ड भर्ती। ज़्यादा पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं मई में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। तो यहाँ पे बात की गई थी, अब आपका जून चल रहा है और यहाँ पे बात की गई थी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी मई में स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई देखो, होमगार्ड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं जा रहा है, बहुत जल्दी आपकी न्यू वैकेंसी जो होंगी होमगार्ड की वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। और यहाँ पे 16,000 की बात की गई थी, लेकिन कहीं कहीं पे जो बात की गई थी 19,000 की भी बात सामने निकल के आ रही थी। तो हम मान सकते हैं 15,000 से 20,000 के बीच में आपकी वैकेंसी रिलीज होंगी, जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 15,000 से 20,000 का होगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, जो आवेदन आपका होगा वो आवेदन भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे इस वाली वैकेंसी के लिए। जो भी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी होंगी उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो लोग होमगार्ड की वैकेंसी का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं 49,568, यहाँ पर भी बात की गई थी 19,000 न्यू होमगार्ड की भर्ती की, जवानों की होगी भर्ती। तो ये भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आप। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं 49,568 सिपाही भर्ती का रिजल्ट मार्च के अंत तक। तो देखिए ये तो हो जाती है पुरानी इन्फॉर्मेशन, आप सभी को पता है कि जब स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ था तो उसके बाद बोला गया था कि 49,568 भर्ती का जो रिजल्ट होगा मार्च के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, और ये रिकॉर्ड बनेगा कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट जारी करके सौंप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, देखिए शायद कुछ यहाँ दिया गया था, यहाँ पे जो ये विज्ञापन 16 नवंबर को जारी किया गया था, लिखित परीक्षा 27-28 जनवरी को आपकी करवाई गई थी, 19,00,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। और अगर देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात की गई थी रिकॉर्ड 6 माह में परिणाम जारी कर डीजीपी मुख्यालय को चयनितों की सूची सौंप दी जाएगी। तो यहाँ पे बात की गई थी कि ये रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन रिकॉर्ड तो छोड़िए, अभी तक रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम घोषित ना होने से अभ्यर्थी परेशान। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ टाइम पहले ही इस इन्फॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में आया था और सभी लोगों को पता चला था। तो यहाँ पे बोला गया था लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम जारी होने की संभावना जताई गई थी कि लोकसभा इलेक्शंस जैसे ही खत्म होंगे उसके तुरंत बाद आपका परिणाम जारी हो सकता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी जारी हो चुके हैं लोकसभा इलेक्शन के, लेकिन 49,568 भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो 41,520 सबसे बड़ा रीज़न है, 41,520 वाली जो भर्ती चल रही है आपके रिजल्ट जारी ना होने का। क्योंकि देखिए अभी आपके को पता होगा भर्ती बोर्ड के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो आपकी ट्रेनिंग 41,520 और 49,568 की एक साथ करा पाए। तो देखिए यकीन मानिए कि 2020 से पहले आपकी ट्रेनिंग होने के तो कोई चांसेस है ही नहीं, ना के बराबर। हालांकि सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 41,520 के अभी भी पीएससी वाले कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग के लिए नहीं गए हैं, और जब तक वो ट्रेनिंग के लिए नहीं चले जाते उससे पहले इसका रिजल्ट जारी होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अभी आपको और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा तो आपको फिजिकल और मेडिकल वगैरह के लिए भी काफ़ी लंबा टाइम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप कैसे भी मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो 49,568 के रिजल्ट होने के चांसेस की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जा सकता है, उसके बाद भी आपका जो फिजिकल होगा उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत अगर वो फिजिकल करा देंगे तो फिर ज्वाइनिंग में वही समस्या आती है कि हमारी ज्वाइनिंग इतनी लेट क्यों हो रही है। इस वजह से भर्ती बोर्ड अभी चुप्पी साधे बैठा हुआ और आपका रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। तो बोर्ड नहीं दे रहा है कोई अपडेट ऐसे में भर्ती बोर्ड देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर अपडेट देगा तो फिर अपडेट उनके पास है भी नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट पूरी तरह से उनके तैयार है, बस भर्ती बोर्ड नहीं चाहता कि अभी इस रिजल्ट को अनाउंस किया जाए।
तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको न्यू वैकेंसी जो लगभग 50,000 न्यू वैकेंसी आने वाली है 2019 में, या हो सकता है 2020 में, डेफिनेटली इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना श्योर है कि आपके लिए वैकेंसी 100% आएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो होमगार्ड की 19,000 वैकेंसी और उसके बाद 49,568 के रिजल्ट के बारे में। तो पूरा देखिए जितना मैं कर सकता था, जितना मैं एनालाइज कर सकता था, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस भविष्य में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो फटाफट से वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।